नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से बच्चों को एलसीएम निकालना आना चाहिए और वो भी सही तरीके से। बच्चे कई बार क्या करते हैं, गलती करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एलसीएम निकालने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। एक उदाहरण लेंगे हम और इस उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से हम एलसीएम को सीखेंगे। जैसे यदि हमें दिया गया है 160 और 120, ऐसे दो संख्या हमें दिए हैं और इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम मतलब इन दोनों संख्या के पहाड़ा में जो संख्या आएगा, है ना। अर्थात अगर कोई संख्या ऐसी है जिनको हम 160 से भाग दें तब भी भाग जाना चाहिए और 120 से भाग दें तब भी भाग जाना चाहिए। यहां पर एलसीएम और एचसीएफ में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं। मान लिया आपको यह कहा जाए कि 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो आपको याद रखना है एक ऐसी संख्या ढूंढना है और वो भी छोटी से छोटी संख्या। ऐसा नहीं कि हम बड़ी संख्या ले ले, छोटी से छोटी संख्या, इसलिए इसको एलसीएम बोलते हैं, है ना, एलसीएम, ठीक है। इसलिए इसको एलसीएम बोलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या हमें यहां पर ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों संख्या से भाग चला जाए। अब यहां पर यदि ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है तो हम दोनों संख्या का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगा और हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है। अब यहां पर देखिए 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से ही भाग जाएगा और 5 से ही भाग जाएगा, अर्थात 3 और 5 का तो एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया। कई लोग इसमें 30 को भी लिख के आ जाएंगे और कहेंगे सर ये तो 3 से ही भाग जाएगा और इसको हम 5 से भाग देना चाहें तो 5 से ही भाग जाएगा। याद रखिए 30 जो है एलसीएम नहीं है, है ना, 30 जो है एलसीएम नहीं है। हमने कहा एलसीएम मतलब लोएस्ट संख्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या लेना होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 और 7 का आपको निकालना होगा एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों संख्या से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या हो, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 7 × 5 = 35। कई लोग बोलेंगे कि सर 70 भी एक ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से भाग जाएगा, लेकिन ये छोटी संख्या नहीं है। 35 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से भाग चला जाएगा, इसलिए 35 एलसीएम होगा। अब अगर संख्या इस प्रकार हो, है ना, जो थोड़ा से बड़ा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देने का जो मेथड होता है वो अपनाएंगे। तो एलसीएम लेते समय आपको क्या करना है, इस प्रकार भाग देना होता है, दोनों संख्याओं को एक साथ भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो हमें 160 और 120 को भाग देते जाना है और छोटी से छोटी संख्या से प्रारंभ करेंगे। जैसे हम 2 से प्रारंभ कर रहे हैं तो 2 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 × 16 मतलब 80 आ गया, यहां पर 2 × 6 = 12 मतलब 60 आ गया। फिर देखेंगे कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर 2 से भाग देखते हैं, तो 2 × 8 भाग चला गया, 2 × 3 = 6 जीरो लगा देंगे 30 हो जाएगा। फिर ये 2 से भाग चला जाएगा तो 2 × 2 = 4 ठीक है, शून्य लगाएंगे, 2 यहां पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 1 बचा 2 × 5 = 10 ठीक है। यहां से फिर से देखिए ये 2 से जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो जो भाग जाएगा उसको भाग देंगे और जो भाग नहीं जाएगा उसको वैसा ही लिख देंगे। जैसे यहां पर देखिए 2 × 1 = 2 और शून्य लगा देंगे 10 हो गया। फिर यहां पर तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो जो भाग नहीं जा रहा है उसको वैसा ही लिख देना है। अब देखिए इन दोनों को फिर से देखिए, क्या ये दोनों किसी ना किसी संख्या से भाग जाएगा, फिर से देखते हैं कि ये 2 से भाग जाएगा। देखिए हमें डायरेक्ट बड़ी संख्या से भाग नहीं देना है, चाहे तो इसको हम 5 से भाग दे सकते थे, है ना, लेकिन हमें 2 से पहले भाग देना है। अब ये कितना आएगा, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल सरल हो चुका है, अब ये दोनों ही 5 से भाग जाएगा, इसलिए आपको छोटी संख्या से भाग देना प्रारंभ करना होता है। ये 2 × 5 = 5 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में अगर वो भाग नहीं जा रहा हो तो इन्हीं संख्याओं को आपको गुना कर देना होता है, ठीक है। लास्ट में एक बार और भाग देखते हैं, भाग दे करके ये 3 हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं 1 बचा था, यहां पर 3 × 1 = 3। तो ये सारी संख्याओं को आपको गुना करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इन्हीं को गुना करने से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमारा संख्या कौन कौन सा है, तो यही जो है क्या हो जाएगा, ये एलसीएम बन जाएगा। तो गुना कौन कौन सा करना है, 2 का गुना करना है 2 से, कितने बार आया है, फिर 2 से गुना करना है, फिर देखिए 2 से गुना करना है, फिर देखिए 2 से गुना करना है, ठीक है। इसी प्रकार फिर किससे गुना करेंगे, 5 से, इसी प्रकार हम किससे करेंगे,
तीन से, लास्ट में किससे गुना करेंगे, यहां पर तीन से, ठीक है। तो देखिए एक दो तीन चार पांच, है ना, पांच बार कितना आया है, दो आया है, तो एक दो तीन चार पांच बार दो, और पांच एक बार आया है, और तीन जो है एक बार आया है, तो इन सब का आप गुना करिए। आप सरल से सरल तरीके से गुना कर सकते हैं, जैसे देखिए दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, ठीक है। अब चाहे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सोलह पंचे अस्सी कर दीजिए, सोलह पंचे अस्सी, ऐसा सरल तरीके से मैं कर रहा हूं, सोलह पंचे अस्सी हो गया, फिर अस्सी को दुगुना कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपको सरल मिलेगा, अस्सी को दुगुना करेंगे तो एक सौ साठ हो जाएगा, ठीक है, एक सौ साठ, ये हो गया एक सौ साठ, और इसको गुना करेंगे तीन से, है ना, इसको तीन से और गुना करेंगे, तो हमने तीन से गुना कर दिया, तो सोलह तीन अड़तालीस, मतलब चार सौ अस्सी, अर्थात चार सौ अस्सी एक ऐसी संख्या है जो दिए गए दोनों संख्या से भाग चला जाएगा, ठीक है, और ये वो छोटी से छोटी संख्या होगा, है ना, आपको बड़ी से बड़ी संख्या नहीं निकालना था। तो 160, ये है 160, ठीक है, 180 और ये सॉरी 160 है, ये 160 है और ये 120 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 480। अब 160 से आप इनको भाग देकर देखिए, अगर ये भाग जाता है, उसी प्रकार आपको 480 को भाग देना है 120 से, दोनों संख्या से भाग जाना चाहिए, तो 00 कट गया, 16 तीन 48 तीन बार में जा रहा है, इसको कटा देंगे, 12 चौक 48 चार बार में जा रहा है, मतलब दोनों ही संख्या से ये भाग चला जा रहा है, मतलब इनका एलसीएम हमने बहुत आसानी से निकाल दिया। तो इसी प्रकार आप भी एलसीएम निकालना सीख सकते हैं, छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन, तब तक जय जय भारत।